खादी दा बता दी दा खादी घबरा दी और चुन ले सो फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और बहुत टाइम बाद में मुझे पता है मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार ये बारिश ना मतलब जबरदस्त हो रही है बाहर में हर दिन थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो ही रही है ये देखिए एकदम जबरदस्त मौसम बारिश का धीमी धीमी बारिश डेली और ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे तो ये वेदर जो है ना इस टाइम पे अगस्त का जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त होता है वैसे तो पहाड़ों का मौसम हमेशा ही अच्छा होता है बट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जुलाई के बाद से ही टिल जनवरी फरवरी तक बर्फ़ जब गिरती है तो बाबा क्या मौसम होता है और बस उसकी तैयारी चल रही है हमारी बहन देखिए गुड मॉर्निंग दीदी गुड मॉर्निंग कौन सा भजन गा रहे थे आप गाओ स्कूल का बताओ सही अच्छा लगो प्रार्थना को अच्छे में भूली हमारी बहन जो है आजकल बच्चों का स्कूल है नहीं तो अभी जो है एक प्रार्थना गाएगी सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के लिए और मैंने बोला उसको नमस्कार मेरा नाम दीदी है मैं स्कूल की तरफ से एक प्रार्थना बोल रही हूँ दया कर दार भक्ति का हमें परमात्मा देना हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ हमारे काम हो सेवा हमारा धाम हो सेवा दाई मान हो सेवा हमारा कर्म हो से दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना बोल खूब आप अच्छे हैं बच्चा आपको बोल खूब आपको मेरा गाना अच्छा लगा होगा बोल आपको मेरा गाना अच्छा लगा होगा और ये हमारे दादाजी समाचार सुनते हुए रामायण देखते हुए और तुम भी रामायण देख रहे हो कपिल तो कहाँ लुका है तू ओ विनोद क्या कर रहा था टीवी चाह रहा है हरिओम हरिओम भी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और उसके बाद अपना जो है ब्रेकफास्ट करते हैं तो अभी तक जो है अभी एक्चुअली 8:30 बज चुके हैं जो बर्थडे देखा ना कपिल का वो वीडियो में अपलोड कर रहा था कम टाइम था और उसमें एडिटिंग भी आपको अच्छे से चाहिए थी है कि नहीं है तो वो टाइम करने में थोड़ा टाइम लग सॉरी वो एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ यार निकल जाता है कोई नहीं जो भी है ब्लॉगिंग यूट्यूब की वजह से थोड़ा सुधर पाया है ये हमारी चाची ने देखो मोबाइल पे जो है स्टेटस लगा रहे हैं हैप्पी बर्थडे कपिल का है ना कहाँ है स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पे हमने तो यूट्यूब पे भी डाल दिया है देखा नहीं आपने नहीं 11 बजे आएगा ना शो अभी तो 8 बज रहे हैं अभी 11 बजने में अभी 3 घंटे बाकी हैं तो आ जाएगा वो आपने देख भी लिया होगा अब तक तो ये हमारा नाश्ता देखिए कल रात का थोड़ा सा टुमड़ा जो बोलते हैं कद्दू बचा था ये है और रोटियां साथ में और चाय हमने बनाई है एकदम बढ़िया वाली इस सुहावने प्यारे मौसम के साथ ये देखिए कोहरा लगा हुआ है छत में जाकर दिखाता हूँ मैं आपको बाकी आपको एक चीज़ बतानी है कि हमारे यहाँ देखो ये है कुछ ऐसे होते हैं लिमड़े तो ये हमारे घर आए हैं पता नहीं ये सब्जियाँ हम लोग कब बनाएंगे ये देखिए इसको जो नाली होती है ना मतलब जो गदेरे होते हैं वहाँ जहाँ पे बहुत सारे हरे हरे घास होते हैं वहाँ से इसको तोड़ते हैं और फिर इसकी बहुत अच्छी मीठी सब्जी होती है लिमड़े की कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आपके छत से जो है मतलब व्यू जो है बहुत ज़बरदस्त दिखता है वाकई यार बहुत ज़बरदस्त दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको मतलब अब आज का तो बहुत ही अच्छा हो रखा है मौसम ये देखो ये कुछ ऐसा है पहाड़ों का मौसम ये देखिए पूरा हरा भरा यहाँ पे खेत वगैरह और सब पेड़ वगैरह बादल लगे हुए हैं चौमास है ना तो चौमास में ऐसा होता है खेतों के हाल कुछ ऐसे हो जाते हैं बारिश से इधर उधर तो खाते हैं गर्मा गर्म जो है सब्जी और कद्दू की रोटी के साथ और चाय साथ में आज जो है खाने में मैं अपने घर वालों के लिए जो है कड़ी और चावल बना रहा हूँ चावल तो बन ही जाता है कड़ी बना रहा हूँ और उसमें मैंने जो है अभी तेल गर्म कर दिया है अपना जीरा डाल दिया है आटा रेडी है और ये कड़ी पत्ता पता नहीं क्या दादी ने दिया था हमको गाँव में थोड़ी देर पहले और ये सब है यहाँ पे थोड़ा फिर आटा गूंथते हैं जीरे में ऑयल में उसके बाद जो है अपना उसके बाद उसमें
ये मट्ठा है, मट्ठा डालेंगे और फिर थोड़ा कड़ी पत्ता हिलाएंगे, 20-25 मिनट बाद बन जाएगा शायद, दिखाएंगे आपको। तो आज घर ही में था तो मैंने कहा जाए खाना वाना बना देता हूँ, बाकी कुछ काम नहीं आज बाहर ज़्यादा, क्योंकि सुबह से धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी। आपने मौसम भी देखा हो कितना ज़बरदस्त हो गया था बारिश के बाद। इसमें जो है हमने थोड़ा सा, एक्चुअली ये आपका कड़ी पत्ता नहीं है, मैंने अपने चाची से कंफर्म किया, तो ये जो है करेले का पत्ता है। ओहो, दादी ने भी बता दिया हमको करेले का पत्ता, कोई नहीं। अभी जो है इसमें पानी और मट्ठा दोनों डाल दिया है, बस जो ये चिपका है ना, चिपका ऐसे नहीं होना चाहिए यार, चलो कोई नहीं, होता है एक दो बार। अभी इसमें जो है मसाले का है, मसाले डालेंगे। तो ये अपना सब कुछ इसमें नमक मसाले वगैरह डालने के बाद इसको कम से कम आधा घंटा ऐसे रखेंगे, क्योंकि इसमें जो पानी है वो उबलेगा थोड़ा सा, और दूध जो मट्ठा है वो भी उबलेगा, चावल भी रेडी हो रहा है। जो कर पीन बढ़ा दे बीघा भैंसा में अगर ऊपर में तीन बार बहुत हटा घूम दिया जो बाट बता जो अच्छो बाटा हो लो सही हरियो आग। अभी जो है खाना थोड़ी देर पहले खाना खाने के बाद थोड़ी देर में लेट गया था, 3 बज चुके हैं अभी, और हमारा अभी प्लान है कि हम लोग जो है मंडवा जो घर में होता है उसके मोमो बनाएंगे हम लोग, उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो हमने मैदा मंगाया है विनोद से, कच्ची मैदा, मैदा थोड़ा सा डालो में, हाँ मंडवा लियो, मंडवा छेज मंडवा पीछे छेज लियो, मंडवा लियो अम्मणी क्यों लियो, ठीक। तो हल्का मैदे का आटा और मंडवा और गेहूं तीनों मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा चिपचिपाहट बनी रहे, अगर केवल मैदा मंडवे का ही बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं प्रॉपर, ऐसा मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था। अब देखते हैं आगे, तीनों मिक्स करना पड़ेगा, गेहूं मैदा और मंडवा मिक्स। वेजिटेबल छील दिया है और मतलब ऐसे ही मोटा मोटा बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने थोड़ा सा पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा बड़ी हम लोग रखे हैं वहाँ पे, वो सब इसमें मिक्स करेंगे। और फिर कपड़ा है, इसके कपड़े, इस कपड़े से निचोड़ के इसका पानी निकालेंगे। अभी के बाद कुछ ऐसा हो जाता है हमारे मिक्स का, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपको प्रॉपर बता दूंगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन में है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है, वही शॉर्टकट तरीका है, बस बच्चों का मन किया तो बना दिया, प्रॉपर कोई प्रोफेशनल कुकिंग वाला चैनल नहीं है ना, तो छोटा मोटा हमने बनाया है घर के लिए, फैमिली के लिए। आगे इसको थोड़ा सा तेल में भूनेंगे, अभी मसाला वगैरह मिक्स करेंगे। ओके, इतना पसीना है भाई काम करते करते घर पे। और अभी जो है हम लोग चटनी बना रहे हैं, स्पेशल सेजवान चटनी, देखिए बहुत तीखी है। इस चटनी को बनाने के लिए ज़्यादा सामान की जरूरत पड़ेगी, केवल अपना विनेगर बचा था हमारे पास, और रेड चिल्ली, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा हल्दी लहसुन, सॉरी हल्दी नहीं लहसुन, और अदरक और जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक बस, और हल्का ऑयल भूनने के लिए। और ये हमने कुछ स्टीम के लिए ऑलरेडी मोमो रख दिए, पानी गर्म के लिए पतीला, और ये छानी जो हर गांव में होती है, और ये हमारी सॉस देखिए इतनी ज़बरदस्त बनी है, एकदम सेजवान सॉस स्पाइसी वाली, थोड़ा सा चीनी भी लाई है इसमें। तो करते हैं इसको स्टीम पहला दादाजी के लिए, और ऐसे कुछ हमारे मोमो हो चुके हैं, ये देखिए एकदम स्टीम करने के बाद थोड़ा सा ये वाला पड़ गया है, बट सो फार सो गुड, मोमो ऐसे बन चुके हैं। ये हम दादाजी के लिए देंगे पहले। खादी दा बता दी दा खादी घबरा दियो के चुन ले दुगु पूरा खा ले। दादाजी बताएं कैसा है? अच्छा है दादाजी, ठीक है, गर्मा गर्म ना तुम उसे बिनवे तीखा। ये है हमारे देखिए मोमो, स्पेशल मंडवे के मोमो।
और अभी सब हमारा फिनिश हो चुका है, मोमोज वगैरह बचे नहीं है। देखो ये सब आइटम्स रखे हैं, चाय चू चल रही है और ये हमारी चाची है यहाँ पे। अभी हमने जो घर पे मोमो वगैरह, जो क्या हो गया, अरे नाव चल गया इनका, जो है ये जंगल से आ रहे थे तो इनका नाव वगैरह पड़ गया। लोग कपिल भी सो गया है। कपिल तूने कमेंट पढ़ा क्या? बर्थडे का कमेंट, लोगों ने तेरे को बर्थडे का वो बोला है, बोला उनको जिन लोगों ने भी मुझे बर्थडे का विश, कितना आया, 150 कमेंट आया तेरे कपिल का। हैप्पी बर्थडे उनके लिए हैं जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया। और ये विनोद सो गया तू हैं, रात को तू इधर उधर मत होना हाँ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है उधर, और टॉयलेट वगैरह लगे तो बता देना, भाग भूक जा रहा है। तो भाई हम भी सोते हैं थोड़ी देर में, अपने सोने का टाइम हो चुका है और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। 15 अगस्त भी बहुत जल्दी आने वाला है, कब आ रहा है 15 तारीख को है ना, तो मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और वीडियो को ऐसे ही इंजॉय करते रहें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाएं, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और हमारे 13,000 के हम लोग फैमिली हो चुकी है, तो सभी लोगों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन और प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।